एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लिडनिट्स। हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेव इन कैसे करते हैं गार्टर स्टिच पे। वेव इन करना बहुत ही अहम टेक्निक है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप फिनिशिंग के साथ बनाना चाह रहे हैं तो पीछे से जब आपके धागे बच जाते हैं तो उनको टाका लगाना बहुत बुरा लगता है कि आप दो धागों को जब ऊन मिलाते हैं तो टाका लगा दें, या कोई भी जो है काट, अगर फॉर एग्जांपल वेविन नहीं करेंगे ऐसे ही काट देंगे या टाका लगा देंगे तो बहुत बुरा लगता है जिस तरह हम आम धागे को लगाते हैं। और दूसरा, अगर आप नहीं लगाएंगे, वेविन नहीं करेंगे तो आपका काम खुल जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि आपने धागा काट दिया होता है, जाहिर बात है आप इसे छोड़ नहीं सकते, बहुत बुरा लगता है। तो आज हम देखेंगे कि वेविन कैसे करते हैं गार्टर स्टिच में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टॉकनेट स्टिच में भी आपको बता दूं और सीड स्टिच में और दूसरे जो पैटर्न्स होते हैं नेटिंग के उनमें भी बता दूं कि वेविन कैसे करते हैं। वेविन हमेशा हमारा होता है बैक साइड से, ये है हमारी फ्रंट साइड। स्वेटर या ब्लैंकेट या किसी भी चीज़ में आपको डेफिनेटली पता होगा कि हमारी राइट साइड कौन सी है। ये लाइन जा रही है, ये राइट साइड है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटा सा पीस है। ये है हमारी बैक साइड, वेविन हमेशा हमारा होता है बैक साइड से। आप जो हमारे आपके पास बाइंड ऑफ करने के बाद टेल बच जाती है, धागा बच जाता है, इसे टेल कहा जाता है, और जो कास्ट ऑन करते हैं वहाँ से भी जो धागा बन जाता है बचाता है, टेल कहते हैं कि भाई आपके पास धागा बचा हुआ है, आप वो थोड़ा सा जब भी आप काटें कोई भी चीज़ बनाने के बाद धागा, तो ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि काटें धागा ताकि 10-15 इंचेस का, ताकि आप आराम से वेविन कर सकें अपने धागे को और वो निकले ना। वेविन बहुत ही अहम टेक्निक है, आपके बहुत काम की। अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं यहाँ पे जो अभी भी वेविन टेक्निक इस्तेमाल नहीं करती हैं और क्या करती हैं कि स्वेटर के पीछे वो जो है इस तरह करके और धागे को टाक लेती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेविन बहुत आसान टेक्निक है, आपका काम अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी वेविन टेक्निक। वेविन टेक्निक के लिए आपने टेल डाल ली, धागा डाल लिया सुई में, ठीक है। अब आप यहाँ से धागा इस, ये आप देख रहे हैं गार्टर स्टिच की लाइन, ये हम गार्टर स्टिच में वेविन कर रहे हैं बैक साइड से। ये आप कैप की तरह जो इधर निशान देख रहे हैं ना, ये गार्टर स्टिच के कैप की तरह आपको जो नज़र आ रहा है, ये उसके नीचे जो दूसरा ये डाउन वाला स्टिच है ना घर, इसमें आपने सुई डाल लेनी है। पहले इसमें डालेंगे फर्स्ट वाली लाइन में गार्टर स्टिच की, फिर दूसरी वाली लाइन गार्टर स्टिच की, पर दोनों जो डाउन वाले स्टिचेज हैं उसमें डाल लिया। अब आप ये कैप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे जो ये वाला घर है फिर से डाउन जिसकी फेसिंग है उसमें आप डाल के और यहाँ पे जो कैप की तरह है उसमें से निकाल लेंगे इस तरह करके। हम फिर से करते हैं क्योंकि वेविन अगर आपने करना हो तो कम से कम इतना इतना वेविन कर दिया करें ताकि जो है खुले ना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले से हमने, जहाँ पे ऊपर वाला होगा गार्टर स्टिच, वहाँ कैप को हमने टर्न करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा डाउन की तरफ, वहाँ से आपने सुई डाल लेनी है और जहाँ जिस घर से हम नीचे वापस आए थे उसी घर में वापस डाल लेनी है। ठीक है, फिर से आपने ये कैप के ऊपर घुमा के जो नीचे वाला घर है उसमें डाल के और जहाँ से हम ऊपर गए थे उस वाले घर में आपने डाल लेना है। और फिर से आपने जहाँ से हम नीचे आए थे उसी घर में डाल के इसको ऊपर करना है। इसको आप जितना चाहें उतना अंदर वेविन कर सकते हैं जितना आपके पास धागा हो। वेविन करने के बाद आप इस धागे को, ये आप देख सकते हैं कि
बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, गार्टर स्टिच में वेवन हो गया है, बट अगर इस कलर से आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और कलर से भी करके बता रही हूँ। बट मैंने ये इसलिए बताया कि ये टेल के साथ, टेल को आप अंदर कैसे फिक्स कर सकते हैं, वेविन करने के बाद आप इसको काट लीजिएगा, वो फिक्स हो जाता है, नहीं निकलेगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे कलर से करके, ताकि आपको इजीली दिख जाए कि हम कैसे टर्न कर रहे हैं। हम कहीं से भी कर लेते हैं फिलहाल, फॉर एग्जांपल ये दो रो ले लें, ठीक है, आप ये दो रो भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। आपका जहाँ धागा होगा पास, आप वहाँ से करेंगे। आपने ये जो गार्टर स्टिच की रो जा रही है, यहाँ ऊपर जो घर जा रहा है उससे, यहाँ नीचे जो घर जा रहा है उसमें से, ये गार्टर स्टिच है, ठीक है। गार्टर स्टिच में ये केप की तरह ऊपर घर है और एक डाउन है, ठीक है। जब हम नीचे से वेविन की तरफ जाएंगे तो नीचे ऊपर वाले घर में डालेंगे और ऊपर जो रो होगा, गार्टर स्टिच की लाइन होगी, नीचे वाले घर में डालेंगे, सही है। इसको आप थोड़ा सा नीचे रखें ताकि धागा निकले ना। अब ये ऊपर है ये घर कैप की तरह, इसके ऊपर घुमा के जो नीचे है ना, यहाँ से हमने नीचे वाले स्टिच से निकाला, यहाँ हम नीचे वाले में वापस डालेंगे। निकालेंगे कहाँ से, जहाँ से हमने शुरू किया था, ये वाला धागा जहाँ से शुरू किया था, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहां से ये वाला घर छोड़ना है, क्योंकि ये हम इसके ऊपर यूं घुमा देंगे, ये वाला घर छोड़ के अब यहां से फिर से हम सुई डालेंगे और वहां से निकालेंगे जहां से ये धागा आ रहा है हमारा। अब फिर से हम ये वाला घर छोड़ेंगे जो ऊपर कैप की तरह है, और इसके साथ जो है उसमें से निकाल सुई डाल के यहाँ से हमारा जो धागा आ रहा है, हमेशा जहाँ से धागा आ रहा है आप वहाँ वापस जाएंगे। अभी आप देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे वापस आए, अब हमने इस घर को छोड़ा और इस घर में सिलाई डाली, सुई डाली, और वहीं उसी घर से निकालनी है जहाँ से हम आए थे, वहीं उसी घर से वापस निकालेंगे। फिर से आपने ये घर छोड़ के इस घर में सुई डालनी है और वहीं डालनी है, वहीं से निकालनी है जहाँ पे आपने, जहाँ से अपने धागा निकाला है, धागा है हमारा। आप फिर से देखें, ये घर छोड़ के फिर से आप ये घर छोड़ के इसमें डालेंगे और वहीं से वापस आएंगे जहाँ पे फिर से आपने यही करना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लुक आ रहा है इसका। ज्यादा जोर से ना खींचिएगा, बट ज्यादा लूज भी ना रखिएगा। यहां से फिर से, और फिर वापस उसी में जहां से निकले थे, आए थे। अब फिर से ये घर छोड़ के यहाँ पे हमने सुई डालनी है और वहीं से निकालनी है जहाँ से हमने धागा निकाला था। फिर से यहाँ से हम वापस जाएंगे, ये घर छोड़ के फिर यहाँ से, और इसी तरह हम, ये आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड है, यहाँ से भी नहीं नज़र आ रहा, और ये है इसका बैक साइड, जहाँ पे आप जितने भी आपके धागे बच रहे हैं, आप बीच में ऊन जोड़ते हैं, मिलाते हैं, जब आपके ख़त्म हो जाती है, या दूसरे कलर की ऊन ज्वाइन करते हैं, आपके धागे बच जाते हैं, उनको वेव इन करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता इस धागे से, आपको इसलिए नज़र आ बताया मैंने, ताकि आप समझ सकें कि हम कहाँ से किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं इनको, दो गार्टर स्टिच लाइनों के बीच में इनको हमने
वेव इन कर देना है। यहाँ से बिल्कुल नीट है, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा टेल वाला हिस्सा। तो इसी तरह आप गार्टर स्टिच में वेव इन कर सकते हैं, बहुत नीटली अपने काम को आप फिनिशिंग दे सकते हैं। इसको यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी मैं आपको समझा दूँगी कोशिश करके। दूसरा कोशिश करूँगी कि आपको किसी स्टिच पैटर्न में या स्टॉकिनेट स्टिच में कैसे वेव इन करते हैं वो भी बता दूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।